Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Class 5th, aapki exercise 8.2 beta. Usi ka question number jo hai, hum C or D aaj karne ja rahe hain, C, D aur E. Nahit easy questions hai. Question number C mein, dekhe wo kaha ka decimal to percentage. Yani ke, aapne decimal values ko percentage mein leke ja rahe hain. Pehla question hai 0.75 diya hua beta. आप इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ओवर 100 बन जाएगा. यहाँ पे 1 लगेंगे अगर 2 डिजिट 20 तो 75 ओवर 100 आ गया. अब बेटा 75 ओवर 100 का मतलब क्या, जिसके ओवर 100 होगा वो उतने परसेंट बन जाता है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था. तो हम इसको 75% लिख सकते हैं. आगे क्वेश्चन है हमारा 1.5, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो 10 बन जाएगा, 15 ओवर 10 हमारे पास आंसर आ गया. लेकिन नीचे 100 नहीं है, हमें 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का, 10 ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा. आपको गोया नीचे 100 आ चुका है बेटा, तो 150% ही हमारा, हम इसको 150 को 150% लिख सकते हैं और 150% ही हमारा आंसर होगा. अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज. फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जा रहे हैं, देखें 3/8 है. हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि आप इनको 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं या 1000 बना सकते हैं बेटा, वो एक मेथड था. आज हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आप दोनों मेथड्स में आपकी ग्रिप ज्यादा हो जाए. हम बेटा 100 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी वैल्यू जिसको हमने परसेंटेज में लेके जाना है फ्रिक्शन से, हमें 100 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब 300 से मल्टीप्लाई होगा 300 हो जाएगा और यहां पर रह जाएगा 1, तो 1/100 का मतलब परसेंटेज, हम इसको एज इट ही लिखे रहने देंगे. 300 को आप 8 पे डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 37.5. तो 1/100 का मतलब परसेंटेज, तो इसका मतलब हमारा आंसर बन गया 37.5% जो है. आप देखिए बेटा 3/40 दिया हुआ है, इसको भी सेम 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100/100 कर दिया. 3 से 100 ने मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, डिवाइड बाय 40, ये 1/100 मैंने एज इट ही लिखा रहने दिया. अब जब 300 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा, और 1/100 का मतलब परसेंटेज, यानी कि 7.5% आपका आंसर आ गया. अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर ई की तरफ जाते हैं, जहां पे हमने ग्रेटर वैल्यू ढूंढनी है. ठीक हो गया, चले बेटा हमारे पास पहली वैल्यू दी हुई है 0.7 और 7%. 7% का मतलब 7/100, उसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.07. अब 0.7 इज ग्रेटर देन 0.07, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा. इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं, 25.5 है और 8% है, 8/100 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.08. तो 0.08 25.8 इज ग्रेटर देन 0.08 से, तो हमने वो लिख दिया. इसी तरह 0.08 है और 10% है, 10% को जब 100 पे कन्वर्ट किया हमने डेसिमल वैल्यू में, तो 10/100 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा. तो 0.10 इज ग्रेटर देन 0.08, क्योंकि पॉइंट के बाद पहली वैल्यू 10th वैल्यू ग्रेटर देन है, यहां पर 10th वैल्यू 0 है, तो इसी के हिसाब से 0.01 इज अ ग्रेटर देन. बेटा ये था आज का आपका लेसन, जो बाकी क्वेश्चन रह गए आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनकी आप रिवीजन करेंगे. तब तक के लिए आपको अस्सलाम वालेकुम.